नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइफ सेट इज हेल्थ। हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को लेकर और उनका निदान जानते हैं विशेषज्ञ डॉक्टरों से। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष चंद्रा, जो पटना ही के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डायरेक्टर भी हैं। हम उनसे आपके लिए सवाल लेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं आपसे कि उनके शरीर में जब भी कभी वे मुड़ते हैं या उठते हैं, बैठते हैं, हाथ को मोड़ते हैं या पैर को मोड़ते हैं, तो हड्डियां खटखट करती है, खटखट की आवाज़ आती है। तो ये जो खटखट की आवाज़ है, क्या ये सामान्य आवाज़ है या फिर ये अलार्मिंग है जिससे हमें सावधान हो जाना चाहिए? क्योंकि ये हर लोग कहते हैं कि वे हाथ मोड़ रहे हैं या पैर मोड़ रहे हैं तो हड्डियां चटकने लगी, हड्डियां खटखट करने लगी। ये आवाज़ क्या होती है और मेडिकल साइंस में ये क्या कहा जाता है? देखिए, ये ऐसा जोड़ जिसमें कि साइनोवियल फ्लूइड है, तो वो साइनोवियल फ्लूइड एक स्थान से दूसरे स्थान में जब आप उस जोड़ को मोड़ते हैं तो वो मूव करता है, तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है और जब वो दूसरे तरफ जाता है तो ये आवाज़ होती है खटखट। ऐसे यूजुअली अगर आप ऐसी हरकतें ना करें जिसमें कि उंगली के जोड़ों को आप नहीं चलाते हैं तो ये खटखट नहीं करेगी, लेकिन आदमी को एक आदत सी बन जाती है उसको खट करके दबाने का। उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि वो अगर नहीं बजता है, नहीं है, तो उसको अत्यधिक ज़्यादा मोड़ते हैं वो, तो ये नुकसानदेह है। कभी कभी उसमें उनको स्प्रेन भी हो जाता है। तो ये उनको एक, जैसे आपको बताया जाता है कि अगर किसी भी चीज़ को आप लगातार 21 दिन तक करते हैं तो आपके ब्रेन पर एक मेमोरी बना लेता है। तो जब आपको एक दो बार ऐसा लगा कि आवाज़ हो रहा है, फिर आप उसको बराबर करने लगते हैं, फिर वो आपकी आदत सी बन जाती है और आप बराबर उसको बजाने का कोशिश करते हैं। तो ऐसी आदत अच्छी नहीं है। इसके बजाने से आपको एक राहत जो मिलती है वो एक हैबिट डेवलप कर जाता है। नॉर्मली बहुत लोग नहीं भी बजाते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो यही तो है, यस, जोड़ों का आवाज़ करना। तो ये कोई खतरे की निशानी तो नहीं है ना? नहीं, खतरे की नहीं। लोग खतरे के लिए उसमें बाध्य हो जाते हैं उसको बजाने के चक्कर में और ज़्यादा मोड़ने लगते हैं, वो कभी कभी उनको नुकसानदेह हो जाता है। किस तरीके का नुकसानदेह हो जाता है? जैसे उसका लिगामेंट का स्प्रेन हो जाएगा। कोई भी जोड़ एक अपने सीमित मूवमेंट ही मुड़ सकता है, उससे अधिक मुड़ेगा नहीं। अगर आपको उसको बजाने के क्रम में आप उसको ज़्यादा मोड़ते हैं तो वो उसके लिगामेंट स्ट्रेन हो जाता है, तो उसको स्प्रेन के रूप में आएंगे मरीज लोग कि मेरा इस उंगली में ऐसे दर्द हो गया, ऐसे बजा रहे थे। तो ये आदत अच्छी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने डॉक्टर सुभाष चंद्रा को कि आप हड्डियां बजाते हैं या हड्डियां बज जाती हैं, तो इसका माने मतलब क्या है और ये कितने फायदेमंद है, यह आदत में शुमार मत कीजिए, ये डॉक्टर सुभाष चंद्रा कह रहे हैं। तो आपने डॉक्टर सुभाष चंद्रा को सुना, जो पटना के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और LNJP हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। इनकी सलाह आपके काम आएगी। आप बने रहिए लाइफ सेट इज हेल्थ के साथ। हम आपके लिए नित्य नई सूचनाएँ लेकर आते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए शुभदायी है, फलदायी है, आपके स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखती है। आप सेहतमंद बने रहें, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।